खत्म करते करते एक मैसेज दूंगा कि अच्छे टाइम में बहुत लोग साथ देंगे तुम्हारा और बुरे टाइम में बोलूंगा आपको, समझदार के लिए सारा काफी है सारे। तो हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि एल्विस यादव का अरेस्टिंग होने के बाद वो 6 दिन तक जेल रहे थे और अभी वो जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने आज का एक ब्लॉग अपलोड किया है। उसमें उन्होंने जिन जिन भी लोगों ने उनको सपोर्ट किया या नहीं भी किया था उन सभी का धन्यवाद किया है। आप वो ब्लॉग वीडियो देखिए। तो जितने मेरे भाइयों ने मेरा सपोर्ट करा उन सबको दिल से धन्यवाद, जिनने नहीं करा उनका भी धन्यवाद, जिनने बुराई करी मेरी उनका भी धन्यवाद, जिनने अच्छाई करी भाई सब उनका भी धन्यवाद। हम तो धन्यवाद कह सकते हैं सभी लोगों को। और अभी अपने काम धंधे पे वापस आ गए, जितना भी अपना नुकसान हुआ अंदर जाके वो रिकवर कर रहे हैं। सो आपको पता होगा कि एल्विस यादव के अरेस्ट होने के बाद उनको बहुत से लोगों ने और उनके फ्रेंडों ने सपोर्ट नहीं किया था। वहीं उनकी पुरानी गैंग HR26 में से अज्जू भाई को इसको लेकर बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, इसको लेकर फाइनली अज्जू भाई ने रिप्लाई दिया है। और आप सबके एक चीज को लेकर कॉमेंट्स और भी आ रहे हैं भाई। मैं एक चीज बोलूंगा आपको, समझदार के लिए सारा काफी है, सारी चीजें नहीं बताई जाती, सारी चीजें नहीं दिखाई जाती और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट और यूट्यूब पे सपोर्ट दिखाने से ये चीजें सही नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा मिच्योर बन जाओ। मुझे पता है कुछ ऐसे बालक भी है जो 15-16 साल के 17-18 साल के, उनको लगता है इंस्टाग्राम पे डालने से सब कुछ सही हो जाता है। नहीं भाई, ये चीजें सही नहीं होती। तो गाइस, आप एल्विस यादव और अज्जू भाई की दोस्ती को लेकर क्या कहना चाहोगे और आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में बताएं।